हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज ट्यूसडे है, आज मेरे हबी का बर्थडे भी है और हमको ससुराल भी जाना है। ससुराल में कुछ पूजा वगैरह है, वहाँ पे जाना है। तो अभी बहुत ही लेट हो गया है, ससुराल में जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगता है। तो हमको अभी घर में ही 9 बज गए हैं, तो बहुत ही लेट हो गया है। तो आप लोग का ससुराल थोड़ा बहुत दिखाऊंगी और मैं अपनी सास और देवरानी के लिए कुछ गिफ्ट ली हूँ, वो आप लोगों को दिखा देती हूँ, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। वहाँ जाके तो मैं कैमरा वगैरह उतना नहीं उठा सकती, बट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत शूट, और दिखा देते हैं। मैंने सास और देवरानी के लिए साड़ियाँ ली है, उसको दिखाते हैं आप लोग। तो गाइस ये देखिए, 2 साड़ियाँ ली हूँ मैं। ये एक क्या बोलते हैं ना उसको, ये एकदम कॉटन का है, अच्छे वाले कॉटन का। ये देखिए अच्छे वाले कॉटन का, वो लोग घर में आराम से पहन सकते हैं। जैसे कि मैं घर में साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, लेकिन ससुराल में देवरानी और सास वो लोग साड़ियाँ पहनती है, और मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो मुझे भी पहनना पड़ेगा। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ये साड़ियाँ। ये है एक अच्छी है, कैमरा में थोड़ा ज़्यादा वो दिख रहा होगा बट अच्छी है। ये देखिए सॉफ्ट वाले अच्छे कॉटन का है एकदम। ये 2 मैंने साड़ियाँ ली है, तो वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाते हैं। पूजा वगैरह भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे। तो गाइज मेरे निकलने का टाइम हो गया है ससुराल के लिए, तो मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ। आप लोगों को इस साड़ी में ही मेरी फेवरेट हैंकी टक करके दिखाऊंगी। जो हैंकी टक मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो मेरी सबसे फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैं कॉटन रुमाल लेती हूँ और उसको ऐसे ही एक साइड से लंबा करके टक कर लेती हूँ, तो मेरी ये फेवरेट टक है। मुझे ट्रायंगल शेप वगैरह इतना अच्छा नहीं लगता, बट ये मेरी फेवरेट हैंकी टक है। तो मैं निकल गई हूँ ससुराल के लिए बाइक पे और हम जा रहे हैं। हमारे यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट बंद था बट आज ही खुला है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए हमारे आसाम के हरे भरे रास्ते, आजकल हर जगह के रास्ते बहुत ही अच्छे हो गए हैं, बिना गड्ढे के, बिना कोई टूटा फूटा हुआ, बहुत मतलब टूटा फूटा नहीं है, बहुत ही अच्छा है आजकल के रास्ते। और साइड में पेड़ पौधे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइज ये देखिएगा, मैं अपने ससुराल पहुंच गई हूँ। 1.5 घंटे का सफ़र था, तो पहुंच ही गई हूँ इतने देर में, मतलब थकान के बाद, इतने लॉन्ग जर्नी के बाद। ये मेरा ससुराल है और हम बाइक पे उतर रहे हैं। हार्दिक बहुत हड़बड़ी कर रहा है अपनी दीदी को देख के उतरने के लिए, हाँ तो मैं उसको बाइक से उतार देती हूँ। फिर इसकी दीदी आ रही है, ये देखिए मेरी ये भतीजी है। और हार्दिक बहुत ही एक्साइटेड होता है यहाँ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही प्यार मिलता है सबसे, बहुत ही अच्छा लगता है। हार्दिक को बहुत ही मज़े करता है, और ये हार्दिक अपनी साक्षी से गले मिल रहा है। और यहाँ पर घर की गाड़ियाँ वगैरह है, ट्रैक्टर कार वगैरह रखा हुआ है, थोड़ा मैसी हो रखा है। तो ये है मेरा ससुराल, आप लोग देख लो मेरे ससुराल का घर। तो हमारा पूजा स्टार्ट हो चुका है, तो ये पूजा घर के बाहर होती है, घर के बाहर होते हैं। तो ये प्रसाद वगैरह, फ्रूट्स, ये सारे प्रसाद वगैरह रखे हुए हैं, तो पूजा मेरे हबी ही करेंगे जाके। तो ये हार्दिक है फुल मस्ती के मूड में, पूरा मस्ती करता है। और हमारा ससुराल जो है वो हाईवे पे ही पड़ता है, उतना अंदर जाने की गांव वगैरह में नहीं है, हाईवे में भी पड़ता है। तो ये मैं अंदर आई हूँ, अंदर के भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए और दिया बत्ती दिखाने के लिए।
हाँ तो गाइज आप लोगों को भी भगवान से आशीर्वाद ले लीजिए। तो साइड में पूजा हो रहा है तो मैं यहीं पे बैठी हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इतनी लॉन्ग जाने के बाद थोड़ी थकान हो जाती है ना। और मैंने बाल वगैरह भी फिर से नहीं बनाए क्योंकि बाइक पे आऊँ ना तो पूरे बाल वगैरह बिखर जाते हैं, तो बाल वगैरह मैंने अभी तक नहीं बनाया है। तो हो गया हमारा पूजा वगैरह, तो प्रसाद सबको हम देंगे। तो होप कि गाइज आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत ही फटाफट में मैंने ये वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप लोग फुल देखिए।